सिवनी कलेक्टर प्रवीण सिंह एवं पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु लागू लॉकडाउन एवं कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित करने हेतु सतत रूप से जिले के नगरीय एवं विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर और SP छिंदवाड़ा जिले के निकटवर्ती ग्रामों का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने चिन्हांकित ग्रामों में चेक पोस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोहका, सिलादेही सहित बखारी के प्रवेश मार्गों में बनाए गए चेक पोस्ट में तैनात अमले को जिले की सीमा में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं देने का आदेश दिया है। साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आने की बात कही है। सिवनी जिले में हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं वो प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक गली में, प्रत्येक कस्बे में और हर जगह उसका पालन हो, और अधिकांश जगह इसका पालन हो भी रहा है, और जहाँ जहाँ पालन नहीं हो रहा है वहाँ पर जिला प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है और कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। सिवनी जिले में अभी तक कोरोना वायरस का कोई पॉजिटिव पेशेंट नहीं है। जितने भी लोग बाहर से आए हैं उन सब लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। प्रत्येक दूसरे दिन, पहले दिन, तीसरे दिन, पाँचवें दिन, सातवें दिन, नौवें दिन, ग्यारहवें दिन, तेरहवें दिन और पंद्रहवें दिन, 15 दिन तक लगातार हमारी जो टीम है उसकी मॉनिटरिंग करती है कि उसको कोई कोरोना वायरस से रिलेटेड लक्षण तो नहीं आए हैं। यदि आए हैं तो उसकी जाँच जो है तत्काल BMO और जो हमारी रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनी हुई है वो करती है। मेरा सभी सिवनीवासियों से अपील है कि आप लोग जहाँ पर भी हैं वो वहाँ रहें। यदि वो राज्य से बाहर हैं तो हमारे कंट्रोल रूम पे बात करें, हम उनको राज्य के बाहर सुविधा मुहैया कराएंगे। और यदि वो सिवनी पहुँच चुके हैं, यदि बाहर से आए हैं तो 14 दिन तक अपने घर में रहें, किसी दूसरे से ना मिलें, होम आइसोलेशन में रहें। और जो लोग सिवनी में रहने वाले हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि लॉकडाउन का पालन करें, किसी भी कीमत पर बाहर ना निकलें, क्योंकि ये ऐसा समय है कि यदि हम लोग बाहर निकलेंगे, लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं है कि जब हम घर से बाहर निकले हैं तो हम अकेले निकले हैं, लेकिन जब घर के अंदर आ रहे हैं तो हो सकता है कि वायरस लेके आ जाए जो पूरे घर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।